खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों को ढाढ़स बंधाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरे आप तस्वीर देख रहे हैं, मोहम्मद शमी को गले लगाया प्रधानमंत्री ने, ये तस्वीर। नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शमी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को, बेटा कोई मसला नहीं। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे यहाँ। और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए ना। शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम है, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर अमरोहा में, ये विलेज है और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। अब प्रदीप आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके नाम का स्टेडियम बना दिया। यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा समझते हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। शमी अभी खेल रहा है और सकलैंड जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। दोस्तों हर कोई दुखी है क्योंकि भारत वर्ल्ड कप हार गया है। 12 साल बाद हमारी उम्मीद थी कि भारत अपनी ही जमीन पर वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसके बाद टीम का वातावरण टूट गया। बीच में रोहित शर्मा रोते हुए बाहर निकले, यह एक ऐसा क्षण था कि हम नहीं दिखा सकते थे हमारे हीरो को रोते हुए, लेकिन इसके बाद मोदी जी ने सबको ड्रेसिंग रूम में जाकर आश्वासन दिया और सबको हिम्मत दी कि सब कुछ ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। 7 साल के यह विश्व कप हमारा नहीं था। उन्होंने मोहम्मद शमी को रोते देखा और उनको गले लगाया, जो फोटो शमी ने पोस्ट की। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। बहुत उम्मीदें थी भारत की टीम से और खैर मैं तो दुआएं भी कर रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हार जीत होती है और जो वर्ल्ड कप है वो भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान में मतलब जो है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यार वो टीम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच और कल फाइनल तक बहुत अच्छा खेली। फाइनल आया, फाइनल में एक टीम ने जीतना है एक ने हारना है, दो टीम आखिर रह गई थी 10 में से, उसमें से एक इंडिया थी और एक ऑस्ट्रेलिया थी। अनबीटन इंडिया थी, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और यकीनन कल उन्होंने इंडिया से अच्छा खेला इसलिए इंडिया को हरा पाया। हमारी टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी, उनकी टॉप 2 में चली गई, रनर अप टीम थी, हारना एक टीम ने था, या ऑस्ट्रेलिया हारता या इंडिया हारता, दोनों न जीत सकते थे न दोनों हार सकते थे। तो ये तो जिन लोगों का खाम खा का वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में, तो कह रहे हैं कि जी ओ भाई यार ऑस्ट्रेलिया आपका कौन सा मतलब आपके लिए बड़ा वो आया हुआ है कि आप कहते हैं कि जी ओ बड़ा अच्छा हो गया, क्यों इंडिया नहीं जीता? इंडिया से आपको क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इंडिया जीता था मुझे इसलिए खुशी थी कि मेरे एशिया की टीम जीतती। वो नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शमी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुल जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। बाकी यंगस्टर आएंगे, शमी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, के राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, या उनको मारा पीटा जा रहा है, या उनको परेशान किया जा रहा है, या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है, सब झूठ बातें हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे यहाँ। साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा, और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा, जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में
उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बट बिकॉज ऑफ पैसा नहीं कर पाते हैं, तो ये शमी स्टेडियम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर्स जाकर के ट्रेनिंग देंगे। ये वही योगी जी हैं जिनके बारे में ना जाने कितनी झूठी अफवाह पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों ने फैलाई कि योगी जी तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए ना। मैं शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर अमरोहा में, ये विलेज है और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दिया। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। अब जबरदस्त है और कितनी मोटिवेशन है वहां पे रहने वालों के लिए, वहां की रिहायशियों के लिए। लेकिन तो स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहां जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिया जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द ईयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है। बिल्कुल सही बात आपने की है, स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशी भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना है। तो हम वही कह रहे हैं डिसरिस्पेक्ट बहुत है। उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शमी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिले फखर बात है। देखिए एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपर स्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल किया है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में सेंचुरीज में एक या दो बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर वन बॉलर हैं, 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। और यार ये देखिए कितनी मजेदार किस्म की ये बात है कि यार मुनीब आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके साथ का स्टेडियम बना दिया। यार बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी सहित सभी की बहुत प्रशंसा कर रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोलता है कि मुसलमान यहाँ दबे हुए हैं और बोलते हैं कि मुसलमान भारत से प्रेम नहीं करते। तो दोस्तों ये सच बात है कि एक मुसलमान खिलाड़ी का जब टीम हार जाती है तो रोता है और एक हिंदू आकर उसे समझाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।